guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic of forensic medicine and toxicology जो कि 20 marks question में examination में most frequently पूछा जाता है and that is hanging. ठीक है, before we understand hanging सबसे पहले हमें समझना होगा asphyxia क्या होता है. ठीक है, because hanging is a type of asphyxial death. तो हम definition की बात करें asphyxia की, तो it is a condition caused by interference with the exchange of oxygen and carbon dioxide in the body. अगर body में oxygen और carbon dioxide properly जो interfere है उसका या exchange है वो चीज नहीं हो पा रहा है, so that condition comes under asphyxia. ठीक है, तो asphyxia जो प्रॉब्लम है इसी के कारण जब पर्सन हैंग करता है, हैंगिंग होती है उसकी, तो उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है हैंगिंग. Here it has been mentioned about its definition. Hanging is a form of asphyxia. It is a type of asphyxia caused by suspension of the body by a ligature which encircles the neck, constricting pores being at the least part of the weight of the body. ठीक है, तो अब obviously आपको इससे समझना है कि आपने कई बार सीआईडी देखी होगी, क्राइम पेट्रोल देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, पर्सन जब हैंग कर जाता है तो उसके नेक कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है और जिस फोर्स से वो कंस्ट्रिक्टेड होता है वो नेक क्यों दब गया, क्योंकि पर्सन का जो बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए फोर्स का काम कर रहा है. ठीक है, एक कंडीशन होती है नियर हैंगिंग की. नियर हैंगिंग क्या है, अगर कोई पर्सन ने फांसी लगाने की कोशिश की लेकिन वो हैंगिंग को सरवाइव कर गया. ठीक है, लेकिन उसको इतनी इंजरी हो गई कि वो हॉस्पिटल चला जाए, सो दैट कंडीशन इज नोन एज नियर हैंगिंग. ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ हैंगिंग. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैंगिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द नॉट, जो गांठ है वो किस जगह लगी हुई है उसके बेसिस पे हैंगिंग के टाइप्स यहाँ पे दो मेंशन किए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज टिपिकल हैंगिंग. टिपिकल हैंगिंग क्या होती है, अगर जो सस्पेंशन है मतलब जहां से लटकाया जा रहा है पर्सन को, अगर वो जो नॉट है वो सेंट्रली प्लेस्ड ओवर द ऑक्सीपिट. ठीक है, मतलब जो नेप ऑफ नेक है वहां पर अगर नॉट प्रेजेंट है, जैसा कि आप इस कंडीशन में देख रहे हो कि इस फीमेल के पीछे यहाँ पर नॉट प्रेजेंट है, सो दिस कंडीशन इज नोन एज टिपिकल हैंगिंग. ठीक है, तो टिपिकल में क्या है, द नॉट इज एट द नेप ऑफ द नेक. ठीक है, अब एटिपिकल हैंगिंग अगर कहीं भी और नॉट है एज कंपेयर्ड टू द टिपिकल हैंगिंग. ठीक है, मतलब टिपिकल हैंगिंग जहां पे नॉट होता है वो एनीवेयर अदर है अदर दैन द ऑक्सीपुट. ठीक है, तो टिपिकल में आपको याद रखना है ओवर द ऑक्सीपुट, अगर गार्ड होती है तो हम इसको टिपिकल कहते हैं, और एनीवेयर अदर दैन द ऑक्सीपुट होती है सो वी कॉल इट ए टिपिकल हैंगिंग. ठीक है, नाउ दैट वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ हैंगिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ नॉट, अब हम डिग्री ऑफ सस्पेंशन के बेसिस पे बात करते हैं. ठीक है, तो डिग्री ऑफ सस्पेंशन का क्या मतलब होता है, कि पर्सन जो है वो फांसी लगा के अगर लटका तो वो किस तरीके से लटका है, क्या वो कम्प्लीटली हैंग कर गया है या फिर इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल हैंगिंग उसकी हुई है. ठीक है, तो अगर पर्सन जो है उसकी बॉडी जो है वो फुली सस्पेंडेड है और कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है तो वी कॉल इट कम्प्लीट हैंगिंग. ठीक है, वहीं पर अगर कोई बच्चा है वो खेलते खेलते कई बार ऐसा होता है कि उसने किसी रस्सी से अपने गले को फंसा लिया और उसकी वजह से वो चोक हो गया, सो दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट और पार्शियल हैंगिंग. ठीक है, तो जो कंप्लीट हैंगिंग होती है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इसका जो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स होता है ये वेट ऑफ द बॉडी होता है. ठीक है, मतलब बॉडी के वजन की वजह से पर्सन कंप्लीट हैंगिंग में उसकी डेथ होती है, लेकिन इनकम्प्लीट हैंगिंग में
किसकी वजह से होती है? वेट ऑफ द हेड की वजह से होती है, क्योंकि उसका जो सर है उसकी वजह से जो फोर्स हुई और वो पार्शियली हैंग कर गया। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट हैंगिंग में ये जो बच्चा है ये ग्राउंड से ऊपर है। ठीक है, और इनकम्प्लीट हैंगिंग में ये जो बच्चा है ये ग्राउंड पर बैठा हुआ है, बट इसके सर की वेट की वजह से इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, नाउ दैट वी हैव सीन द टाइप्स, लेट्स मूव ऑन टू द कॉजेस कि क्यों डेथ होती है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉज देख लिया एस्फिक्सिया, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है। वेनस कंजेशन, क्योंकि फांसी लगती है या फिर किसी ने हैंग कर लिया खुद को तो जगुलर वेन्स जो है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से सेरेब्रल सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, कई बार ये दोनों कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, सेरेब्रल एनीमिया क्या होता है? अगर जो ब्लड है उसकी कमी हो जा रही है ब्रेन में, क्योंकि लाइगेचर अगर बहुत ज्यादा टाइट होता है, अगर किसी पतले चीज से हैंग किया गया हो तो ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। रिफ्लेक्स ऑफ वेगल इनहिबिशन, ठीक है, कई बार कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और फ्रैक्चर भी हो सकता है सर्वाइकल वर्टिब्रे का। ठीक है, नाउ यहाँ पर डिले डेथ के कारण लिखे हुए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पर्सन फांसी से तो नहीं मरता, बट उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम जो कि एस्पिरेशन निमोनिया है, कई बार किसी इंफेक्शन की वजह से, ब्रेन में इन्फार्क्ट बनने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट्स हैंगिंग के क्या आते हैं, ये सब आप देख सकते हो नियर हैंगिंग के पेशेंट में, मतलब ऐसा पेशेंट जो सरवाइव कर गया है हैंगिंग को, या फिर उसको सिर्फ कुछ इंजरी हुई है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हैंगिंग के फेटल पीरियड की। तो हैंगिंग में जो डेथ है वो ज्यादातर इमीडिएट होती है। ठीक है, और अगर एस्फिक्सिया जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट रैपिड इफ कॉज इज एस्फिक्सिया, लीस्ट रैपिड इफ कोमा इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जल्दी से अगर पर्सन की डेथ हो रही है तो वो ज्यादातर एस्फिक्सिया की वजह से होती है। ठीक है, यूजुअल पीरियड 3 से 5 मिनट होता है, वो एक्सटेंड होकर 5 से 8 मिनट तक हो सकता है। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, जनरल फीचर्स में हम पर्सन की क्लोथिंग देखेंगे कि किस तरीके के कपड़े से उसने जो वो की है फांसी लगाई है वो है। ठीक है, बॉडी में अगर कोई लिविडिटी है, अकड़ गया है, रिगर मोर्टिस एल्गर मोर्टिस हो गई है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जगह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, किसी डिस्चार्ज हो रहा है सीमेन का, या फिर यूरिन या फीकल मैटर का डिस्चार्ज हो गया आफ्टर हैंगिंग, तो वो हमें दिखेगा। ठीक है, पर्सन की जो टंग है वो कई बार बाहर आ जाती है, जैसा कि आपने दोनों इन फिगर्स में देखा हुआ है कि इस पर्सन की टंग बाहर है, इसकी भी टंग बाहर है। ठीक है, और कई बार सलाइवा जो है वो भी माउथ से बाहर आ जाता है। ठीक है, नॉट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि टाइप ऑफ मटेरियल क्या है जिससे फांसी लगाई गई है। ठीक है, सरकमफेरेंस कितना है उसका, विड्थ कितना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेचर ऑफ द नॉट। ठीक है, स्लिप नॉट लगाया गया है या फिक्स्ड नॉट लगाया गया है फांसी लेने के लिए। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एग्जामिनेशन विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, यहाँ पर आपको एंटीरियर नेक के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो टूट गए हैं। ठीक है, जिनमें ब्रेकेज हो गया है। मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन इज प्रेफरेबल टू एक्सपोज द नेक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वाई शेप्ड इंसिजन का यूज किया जाता है नेक स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब ड्यूरिंग ऑटोप्सी पता करने के लिए। ठीक है, एंटीरियर नेक स्ट्रक्चर जैसे टंग, लैरिंग्स, ट्राकिया या थायराइड ग्लैंड जो है उसको हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है कि वो नेक के स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। जो टंग है उसका इंस्पेक्शन हम करते हैं, और हम ये भी नोट करते हैं कि जो हीमरेज है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, और जो थायराइड ग्लैंड होता है, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स नेक वाले एरिया के होते हैं, वो ऑटोप्सी ऑफ नेक में अगर एस्फिक्सियल डेथ है तो हम उसको कंसिडर करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के वक्त। ठीक है,
So friends, this is it for today's session in which we have discussed hanging. Examination mein 20 marks question mein bahut baar pucha gaya hai. That is why I have thought of discussing this topic with you all. Daily, main FMT ka ek topic jo 20 marks question mein pucha jata hai, wo main upload karne wali hu. The next topic has already been uploaded. वो प्रीमियर के फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो. ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि डेली जो अपकमिंग अपडेट्स है वो मिस ना हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स. थैंक यू.